नमस्कारम। आज डाइट के विषय में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, आहार के विषय में कि सुबह से लेकर के रात तक एक आम इंसान को कितना खाना चाहिए, क्या क्या आहार में होना चाहिए, कब कब होना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के और मैं उनकी कोशिश करता हूँ मदद कर पाऊँ जितनी हो सके। यकीन मानिए ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम का जो कारण रहता है पीछे, जो मैं पता करने की कोशिश करता हूँ, तो यही होता है कि उनको डाइट का पता नहीं है कब क्या खाना है। कुछ लोग रात को सलाद खा रहे हैं, कुछ लोग रात को दलिया खा रहे हैं, उनको पता नहीं है कि कब क्या खाना है। तो मेरे पास एक कुछ दिन पहले किसी कोई व्यक्ति आए और उन्होंने आकर के बताया कि वो दो बहनें थी और वो किसी शायद किसी पीजी में रहती हैं, कोई बाहर घर से कुछ ऐसा है, कोई इंस्टीट्यूट है चलाती हैं या वहाँ काम करती हैं। उन्होंने बताया कि हमें सुबह ब्रेड मिलती है बिना सिकी हुई और साथ में थोड़ा मक्खन होता है, दूध होता है और फल होता है। दोपहर को थोड़ा हमें स्नैक के तौर पे समोसा मिलता है और उसके बाद लंच में हमें दाल रोटी एक सब्जी होती है, कभी दही नहीं होती, शायद कम ही होती है, और रात को ब्रेड और दाल मिलती है। तो मैं ये चीज़ आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि इस तरह के लोग भी हैं, आप भी शायद ऐसी बातें करते होंगे अपनी लाइफ में। चलो छोड़ो, ये तो बहुत सामने वाले को ही दिख जाता है कि ये बिल्कुल गलत डाइट है। कई लोग तो ऐसे आके बोलते हैं मैं तो कुछ गलत खाता ही नहीं। मैं उनको बोलता हूँ क्या खाते हो, बोला जी बस दो रोटी सुबह, दो दोपहर, दो रात। इसका मतलब वो तीनों टाइम अनाज खा रहा है, तीनों टाइम वो एक ही तरह का अनाज खा रहा है। तो जाहिर सी बात है बीमारी आना स्वाभाविक है। आपको बदल बदल करके आहार लेना होता है, बदल बदल करके चीज़ें लेनी होती हैं, नहीं तो अंदर एक ही अनाज से भाई बार बार प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं सेहत के रिलेटेड। तो मैंने एक डाइट प्लान बनाकर रखा हुआ है, हालांकि बहुत प्लानिंग से ये नहीं बनाया है मैंने, सिर्फ हमारे योग कैंप चलते हैं आश्रम में, उस दौरान हम जो खाने को देते हैं लोगों को, वही एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। हो सकता है इसमें 100% एक्यूरेसी नहीं है, फिर भी ये नुकसान किसी को नहीं करेगा, फ़ायदा ही करेगा। मतलब एक होता है बड़ा सोच करके चीज़ को डेवलप करना, ऐसा नहीं है, सिंपल सी डाइट है ताकि आपको भी कोई मेजर बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस याद नहीं रखने, सिंपल कुछ बेसिक बुनियादी चीज़ें पता होनी चाहिए इंसान को, वही चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे। तो मैं आपको 4 दिन का डाइट प्लान इसमें एग्जाम्पल के तौर पर एक समझने के लिए दूंगा, ज़रूरी नहीं सेम स्ट्रिक्ट ऐसे ही फॉलो करना है, बस समझ लेना किस वक्त हमने क्या खाने को दिया हुआ है और क्या उससे इम्पैक्ट आ सकता है। तो मैंने सबसे पहले day 1 यानी कि पहली सुबह उठे तो पानी तो हर दिन पीना है, जो बासी पानी रात का, तांबे का या मिट्टी का जो हम पीते हैं वो तो रेगुलर रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा पानी लेकर के उसमें उसके साथ तुलसी के पत्र ले लो, तुलसी के ड्रॉप्स ले लो, या फिर उसी की जगह पे अगर कोई व्यक्ति पतला है, कमज़ोर है, वीक है और गर्मी के दिन है तो ठंडाई भी पी जा सकती है। ठंडाई के ऊपर मैं जल्द ही वीडियो लाऊंगा कि जिसमें बादाम, पिस्ता और केसर और काली मिर्च और ऐसी चीज़ें डाल करके, हालांकि वो चीज़ें गर्म हैं लेकिन जब हम घोटते हैं उसको तो फिर वो तर हो जाती हैं, तो वो बहुत ठंडक भी देती हैं गर्मी में, इसमें खस होता है और भी बड़ी चीज़ें, तो वो ठंडाई पी सकते हैं। बनी बनाई पाउडर वाली भी आती, थोड़ी दूध में घोट के सुबह खाली पेट ली जा सकती है, उससे शांति मिलती है, गर्मी में पित्त नहीं बढ़ता। इसके अलावा अगर वो नहीं लेना तो आप सुबह आंवला एलोवेरा भी पी सकते हैं। आंवला एलोवेरा रोज़ाना जो सुबह पिएगा उसका वज़न कम होगा। जिन लोगों का पहले से ही वज़न कम है वो आंवला एलोवेरा ना पिए। और उसके अलावा अगर कोई शरीर कमज़ोर है, किसी का धातु की कमज़ोरी है, पुष्टि चाहता है, थोड़ा हाइट बढ़ाना चाहता है, तो बांस का मुरब्बा भी खा सकता है। किसी की पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, अब वो चाहते हैं ध्यान भजन में बैठते हैं तो ध्यान भजन में बैठ के कमर सीधी नहीं हो पाती, वो भी बांस का मुरब्बा खा सकते हैं। इसके अलावा इसी की जगह पर कभी कभी ड्राई फ्रूट्स भिगोए हुए छील के खा सकते हैं, 4-5 बादाम, 1 आधा अखरोट और 1-2 अंजीर भिगो करके। बादाम अखरोट को अलग भिगोवो, अंजीर को अलग भिगोवो, अंजीर का पानी पिया जा सकता है, बादाम अखरोट का नहीं पीना, तो बादाम अखरोट को छील के खाना है। बहुत सारे लोग छिलका साथ में खा लेते हैं, हालांकि उसमें एक ऐसा प्रोटीन होता है जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता बॉडी में, साथ ही साथ वो अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो बॉडी उस पर फालतू की मुशक्कत करेगी, जब फालतू का एफर्ट उस पर करेगी उन छिलकों पे, बादाम के अखरोट के छिलकों पे, तो वो गैस करेंगे पेट में, इसलिए हम बादाम का छिलका या उसका नहीं देते हैं। इसके अलावा कभी बिल्कुल मन नहीं है तो नारियल पानी पिया जा सकता है। जो लोग एसिडिटी की गोली रोज़ सुबह खा रहे हैं और उनको बड़ी अपने आप में कई बार दिक्कत भी महसूस होती है कि छूट जाएगी, तो डेली नारियल पानी पीना शुरू कर दो। यकीन मानो बड़ी बड़ी मेडिसिन इसके आगे फेल हैं।
तो ये था सुबह का एक जिसको जिससे आपने मॉर्निंग को ब्रेक अपना फास्ट यानी कि रात भर का जो एक व्रत था सोए रहे उसके बाद जो सुबह का पहला चीज़ आपने फास्ट तोड़ा वो इसी से टूट गया। इसके अलावा मैं बहुत जल्द आपको फर्स्ट मील और लास्ट मील की वीडियो दूंगा जिसमें मैं आपको 50 ऑप्शन दूंगा कम से कम सुबह क्या खाया जा सकता है, किस मौसम में किस व्यक्ति को क्या खाना चाहिए, वो भी बहुत जल्द आपको मिलेगी। ये पहला था। उसके बाद ब्रेकफास्ट में ही हमने फ्रूट कर्ड यानी कि थोड़ी दही लेनी है और उसमें थोड़ा नमक और चीनी का घोल माने पाउडर मिक्स कर देना है ताकि उसमें थोड़ा मीठा भी टेस्ट आए नमक भी आए। हालांकि मीठा और नमक एक साथ हर वक्त खाने से वेट बढ़ता है क्योंकि जब लूज़ मोशन लगती है तो हम मीठा और नमक घोल करके देते हैं कि इसका लूज़ मोशन रुक जाए, तो ब्लॉटिंग रोकने के लिए है वो। और अगर इसको आप रात को लेंगे यही नमक और मीठे वाली कोई चीज़ दोनों चीज़ें जिसमें हैं तो वो वेट बढ़ाएगी, वो कब्ज करेगी। अब सुबह ले रहे हैं तो दिन भर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सुबह ज़रूरी भी है कि एक ही बार पेट साफ़ हो, बाद में ये लिया है तो फिर सारा दिन पेट साफ़ ना भी हो अगले दिन फिर सुबह भर खुल के पेट साफ़ हो। तो एक बार जिसको मोशन आए वो योगी, दो बार आए भोगी, तीन बार आए रोगी। तो ये सुबह हमने फ्रूट कर्ड ले ली, उसमें थोड़ा सा आपने नमक और मीठा डाल दिया, थोड़ा सा फ्रूट डालना जैसे कि आप सेब है आपके पास काट करके छोटा छोटा छिलके समेत डालेंगे तो वो फाइबर से पेट भी साफ़ होगा, तो वो सेब हो गया। अंगूर काला डाल सकते हैं, सफ़ेद अंगूर खट्टे में गिना जाएगा, अनार खट्टे में गिना जाएगा वो नहीं डाल सकते, चीकू डाल सकते हैं कभी कभी, थोड़ा बहुत मुरब्बा काट के छोटा छोटा डाल सकते हैं। और इसमें हम डाल सकते हैं केला डाल सकते हैं, तो इस तरह से इसका फ्रूट कर्ड एक तैयार हो जाएगा। किसी किसी दिन उसमें बादाम और काजू या सौगी या ऐसी चीज़ें किशमिश वगैरह डाल सकते हैं थोड़ा फ्लेवर के लिए, डेली थोड़ा टेस्ट बदल जाता है। तो फ्रूट कर्ड अगर आपको लेनी है तो फ्रूट भी इसमें आ गया और आपकी दही भी आ गई। कई लोग कहते हैं कि दो चीज़ें एक साथ नहीं लेनी चाहिए, आयुर्वेद कहता है वो तो विरुद्ध आहार हो गया, खट्टे फल और खट्टा दही यानी दही और खट्टे फल एक साथ नहीं लेने, जैसे कीवी है या स्ट्रॉबेरी है वो, ये इस तरह के खट्टे फल इसमें नहीं डालने, दूसरे फल डालना अलाउड है। आपने कई बार कई लोगों को सुना होगा, आयुर्वेद में पढ़ा भी होगा, मैंने भी कई बार बताया है कि अगर आपको खाना नहीं पचता बच्चे को भी दही केला फेंट के दो, अगर दही में केला डल रहा है इसका मतलब फ्रूट का दही से वैर नहीं है, बस उसका क्या क्या डालना है ये समझना पड़ेगा। फिर उसी के साथ फ्रूट कर्ड एक बाउल ले लिया, उसके साथ पोहा ले लो। पोहा जैसे चावल को प्रेस किया होता है तो वो चावल का ही पोहा बनता है, उसमें थोड़ी सब्जियां डाल दी, थोड़ा उसका तड़का हो गया, हर तरह की जो सीजनल सब्जी है सुबह तो हर तरह की सब्जी पचेगी। और इसमें पोहे में आलू डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप आलू से भी बच जाते हैं क्योंकि लोगों की रूटीन में सुबह दोपहर शाम चेक करो तो आलू बहुत ज़्यादा होता है। मैं उनको कहता हूँ आलू इतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, वो एक ही उदाहरण देते हैं भाई आलू फिर सब सब्जियों में डलता है हम क्या करें, मैं उनको फिर एग्जांपल ये दे रहा हूँ आज के डाइट प्लान क्योंकि पता चले आपको कि इसमें कितनी बार आलू आया है, आप भी रियलाइज़ करेंगे इसको। तो पोहा और साथ में फ्रूट कर्ड, पोहे में भी चाहो तो थोड़ा अगर आपकी कम बॉडी पतली है कमज़ोर है वेट बढ़ाना है तो दो चार दाने बादाम के उसमें सॉटे कर लो, दो चार एक दो काजू डाल लो, दो चार किशमिश डाल लो, उससे भी वो एक न्यूट्रिशियस सा बन जाएगा। जिनको और ज़्यादा हैवी उसको करना है तो थोड़ा सा भुना हुआ चना पाउडर करके घर में रख लो, जब भी पोहा बन जाए तो उसको लास्ट में उस पर थोड़ा सा स्प्रिंकल करके उसका टेस्ट फ्लेवर बढ़ाने के लिए ऊपर नींबू डाल लो, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। और फिर उसके बाद ये ब्रेकफास्ट हो गया, इस ब्रेकफास्ट का टाइम 9 बजे से 10 बजे के बीच रखिए, ज़्यादा लेट ना करिएगा। और लंच में 1 से 2 बजे के बीच में चोकर वाली रोटी आ गई, 1, 2, 3 जितनी आपको भूख है, साथ में मिक्स वेजिटेबल जो भी सब्जियां, क्योंकि आश्रम है हमारा तो वहाँ कोई चॉइस तो ज़्यादा चलेगी नहीं कि भाई क्या बनेगा क्या बनेगा, जैसे घरों में करते हैं टिंडा बनाना है कि राजमा बनाने हैं, आपस में ही बस लड़ते रहते हैं। तो ये मिक्स उसमें आ गई वेजिटेबल, सारा कुछ आ गया, जिस जिस तरह का न्यूट्रिशन चाहिए शरीर को मिल जाएगा। दोपहर का समय है और मिक्स वेज का न्यूट्रिशन पचाने के लिए बॉडी तैयार है, तो मिक्स वेज आ गई, साथ में लौकी का रायता, लौकी घिया कद्दूकस करके उसको ग्रेट करके उसको थोड़ा सा पानी में हल्का सा एक छिट्टा लगवा के भाप दिलवा के उसको दही में डाल के रायता बना लिया और उसी के साथ वो चल गया थोड़ा नमक डाल करके। कई लोगों का ये भी कहना है कि दही में नमक नहीं चलता या आयुर्वेद के खिलाफ है, मेरे भाई ध्यान से सुनो, दही में सेंधा नमक चल सकता है, हम नमकीन छाछ आयुर्वेद में लिखा है नमकीन छाछ पियो, जिसको वात रोग है जिसको पित्त रोग है वो मीठी छाछ पियो, और छाछ और मट्ठा उसमें तो दो चम्मच पानी डलता है, ज़्यादा तो डलता भी नहीं है, तो वहाँ पर अगर अलाउड है तो दही में क्यों नहीं, बस ये समुद्री नमक दही में नहीं डालते। और फिर शाम के समय थोड़ी आयुर्वेदिक चाय ली जा सकती है, आयुर्वेदिक चाय शाम को कईयों को आदत होती है,
ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन आदत होती है, कुछ ना कुछ मिलेगा तो ही चलेंगे। तो दूसरी चीज़ खाएंगे, मंचिंग करेंगे, समोसा खाएंगे या बिस्किट ब्रेड खाएंगे, भुजिया खाएंगे, तो नुकसान है, चेहरे का ग्लो भी जाता है, लेकिन आयुर्वेदिक चाय पी ली तो अच्छा लगता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इसमें मैंने दोपहर को जैसे 12-1 बजे जब थोड़ी गर्मी बढ़ती है, गर्मियों के दिनों में जिन इलाकों में जिन शहरों में गर्मी है, तो वहाँ पे वे थोड़ी सी सत्तू बना कर ले सकते हैं, जौ का शक्कर डाल के पानी में फेंट करके, उस पर भी मैं जल्द ही वीडियो लाऊंगा। आपको कईयों को पता भी होगा ऑलरेडी कि सत्तू क्या होता है, चने का सत्तू चल सकता है। और एक चीज़ मैं बता दूं, जिनको जैसे डॉक्टर्स लोगों ने या हम लोग ही मना करते हैं कि आपने खट्टा शरबत नहीं लेना, नींबू नहीं लेना, तो उन लोगों को बड़ी मुसीबत आती है गर्मियों में क्या पिए, तो वो अंगूर का शरबत पी सकते हैं, वो बेल का शरबत पी सकते हैं जिनको घुटनों में दर्द है या खट्टा वाना है, वो इस तरह से जो चने का सत्तू, भुना हुआ चना पाउडर करके रख लो, उसको नमकीन सत्तू बना सकते हो डायबिटीज़ वाले, वो बड़ा अच्छा न्यूट्रिशियस भी होता है और एक शांति मिलती गर्मी में। तो सत्तू ले सकते हैं जौ का या चने का 12-1 बजे। लंच हो गया, लंच के बाद शाम को आयुर्वेदिक चाय ज़रूरत लगी तो। और कई लोग बिल्कुल खाने के साथ ही चाय लेते हैं, ये भी गलत है, खाने के सारे बेनिफिट को ख़त्म कर देती है। एटलीस्ट 25 मिनट्स का फासला रखो चाय का, और डिनर के वक्त रात को 7 से 8 बजे के बीच में डिनर कर लेना चाहिए। उसमें दाल रख लो कोई भी, अगर आपको बार 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 पेट लूज़ रहता है तो आप धुली हुई दाल यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको कब्ज रहती है तो आप छिलके वाली दाल यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी फाइबर दोनों के लिए अच्छा, फाइबर हर हाल में अच्छा, तो कटी हुई दाल रख लो, साबुत भी ना रखो, साबुत दालें रात को भारी करती हैं, साबुत दालें दोपहर को ले लेते हैं। तो दाल के साथ ब्राउन राइस बना लो, 2-3 घंटा भिगो लो राइस को, चावल को, ब्राउन राइस के ऊपर छिलका होता है, ज़रा फाइबर होती है, तो वो फाइबर भी आपका हेल्प करेगी, पेट को अच्छे साफ़ करेगी। आप बोलेंगे जी रात को चावल खाने चाहिए, मैं कहता हूँ रात को चावल खाने हैं, उसमें थोड़ा सा तेज़पत्र, थोड़ा मोटी इलायची, 1-2 लौंग डाल करके उसको बना लो, उसमें उसका एक असर आ जाएगा, तो आपको जुकाम नहीं करेगा, कफ़ नहीं करेगा, दर्द नहीं करेगा, बड़ा हेल्प करेगा आपकी, जल्दी बच भी जाएगा। रात को दूध तो रोजाना पीना ही है, तो ये रात का एक डाइट प्लान एक दिन का बन गया। दूसरे दिन में सुबह फिर आप वही तुलसी की ड्रॉप्स या 5-6 ऑप्शंस जो दी थी, नारियल पानी और आंवला, एलोवेरा, बांस का मुरब्बा आदि, उनमें से कुछ चूज कर सकते हैं अपनी खुशी से। ब्रेकफास्ट में फिर आपको फ्रूट कर्ड ले ली, उसके साथ मुरमुरी ले ली, मुरमुरी हम बोलते हैं जिसे भेलपूरी बनती है, उसी भेलपूरी से पूरी में जो एक चावल का वो खिल डलता है लावा सा, तो उसको डाल करके हम सेम पोहे की प्रोसीजर से मुरमुरी बनाते हैं, साउथ में लोग बहुत खाते हैं। इसमें फिर भुना चना फिर पाउडर करके डाल लिया, अगर आपका वेट कम है आपने बढ़ाना है तो, अगर आपने नॉर्मल रखना है या कम करना है, तो सिंपल मुरमुरी खा ली, तो उसी तरह ड्राई फ्रूट्स और मूंगफली की गिरियाँ थोड़ी भुनी हुई, थोड़े दाने, तो एक हेल्दी मील हो जाती है, पेट भी भर जाता है लेकिन पेट हैवी नहीं होता इससे। और अगर किसी को कर्ड नहीं सूट करती तो इन्हीं नाश्तों के साथ में वो जूस ले सकता है। लोग पूछते हैं कि हमें कुछ पीने वाली चीज़ बताओ सुबह क्या पिए, तो मैं उनको बोलता हूँ या तो जूस ले लो, या फिर अगर वैसे तो आयुर्वेद में कहा है कि दोपहर को छाछ पीनी चाहिए, छाछ मतलब पतली मक्खन के नीचे बचने वाला जल उसमें, या छाछ मतलब अगर नहीं वो अवेलेबल है तो दही को पतला करके मट्ठा बना लो। तो अगर सुबह भी लेना चाहो तो वो छाछ ली जा सकती है। जिन लोगों की बॉडी में ड्राइनेस है, वात बहुत बड़ा हुआ है, एकदम रफ है, वो 2 टाइम भी छाछ ले सकते हैं, एकदम एक टाइम मीठी ले लो, एक टाइम नमकीन ले लो। तो वहाँ पे चल गई सुबह नाश्ते में, 1 से 2 बजे के बीच में लंच में फिर आ गया दाल राइस। दालें बदलती जाएंगी आपकी ज़रूरत के हिसाब से, अगर आप ज़्यादा चूजी नहीं हैं तो आप मल्टीग्रेन मल्टी मिक्स दाल भी ले सकते हैं, साथ में राइस आ गए, राइस यहाँ पे वाइट भी चल जाएंगे, थोड़े पचने में हैवी होते हैं लेकिन दोपहर का समय है, आप यकीन मानिए आपको ऊपर से वो जो उतारते हैं चावल की पिच बोलते हैं जिसको, वो नहीं उतारनी है मांड वगैरह, क्योंकि उसी में सारा असर होता है, थोड़े कम खा लो लेकिन आप उसको ना उतारो। फिर रोटी आ गई कि साथ में, जो पतले लोग हैं चावल के साथ ही रोटी आ गई उनकी, और दाल के साथ वही रोटी चल जाएगी, रोटी और चावल 2 चीज़ें हो गई, साथ में दाल आ गई और छाछ आ गई। जो लोग पतले हैं वो 2 चीज़ें ले लेंगे, जो मोटे हैं भारी भरकम हैं वो दाल लें या चावल लें या रोटी लें, एक चीज़ चूज़ कर लें। और रोटी मल्टीग्रेन भी चल सकती है अगर आप चावल साथ में नहीं ले रहे हैं, वो भी ताकत दे देगी। दोपहर का समय है, कहा जाता है कि सुबह का खाना राजा की तरह खाइए, राजा की मतलब ये नहीं कि इतना थाल भर के, राजा मतलब बहुत न्यूट्रिशन में रिच, महंगी से महंगी चीज़, बढ़िया से बढ़िया न्यूट्रिशन, और दोपहर का वजीर की तरह, वजीर माने जो राजा का सेक्रेटरी है, तो उसमें इस तरह की चीज़ें आ गई। और
फिर रात को खाना चाहिए गरीब की तरह। तो गरीब की तरह देखिएगा आप कैसे रात को आएगा। शाम को फिर उसी तरह, किसी दिन आयुर्वेदिक चाय पीने का मन नहीं है, सेब खा लो भूख लगी ज़्यादा, तो कुछ भूख नहीं लगी अच्छी बात है, गर्म पानी पियो 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, ताकि उससे किडनी डिटॉक्स करें जितना मैक्सिमम हो सके। रात को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक डिनर करना है, उसमें मटर और पालक, जैसे हम पालक पनीर खाते हैं, पनीर हैवी हो जाता है रात को, पनीर खाने से वज़न बढ़ता है। सुबह ले लो नाश्ते में कभी चिल्ले वगैरह में या कहीं पर थोड़ा बहुत डाल करके, तो वो वज़न को मेंटेन रखता है। तो रात को हमने पालक में मटर डलवा दिया। अब पालक का सीज़न नहीं है तो उसकी जगह पे कुछ सीजनल वेजिटेबल आ गई, टिंडा आ गया, घिया तोरी आ गई। रात को बहुत ज़्यादा भी लौकी ना खाओ, घिया तोरी चल सकती है, घिया थोड़ा कम रात को लेना चाहिए, रोज़ रोज़ नहीं लेना चाहिए क्योंकि उस ठंडा होता है। हालांकि हम घिये में लौकी में काली मिर्च डाल के उसको बैलेंस कर लेते हैं उसकी तासीर को, फिर भी रात को रोज़ रोज़ घिया नहीं, सुबह दोपहर ले लो शाम को ले लो, चल भी सकता है घिया, मैं मना रोज़ के लिए मना कर रहा हूँ, कभी कभार तो चल ही जाएगा। और चोकर वाली रोटी होगी रात को ताकि पेट अच्छे से सुबह साफ हो। चोकर बोलते हैं ब्रैन को, जो छन्ना हुआ आटा होता है वो नहीं यूज़ करना है, फाइबर वाला आटा यूज़ करना है। तो तुलसी के ड्रॉप्स आ गए तीसरी मॉर्निंग फिर से, या फिर उन्हीं ऑप्शंस में से एक ऑप्शन, 8 से 9 बजे के बीच में फिर एक फ्रूट कर्ड का बाउल आ गया और थोड़ा साबूदाना। साबूदाना भिगोना पड़ता है रात को, सुबह उसको आप जैसे आप पुलाव बनाते हो, बिरयानी बनाते हो राइस की, इसी तरह खड़ा खड़ा सब्जियां डाल के साबूदाना बना लो, यकीन मानिए बहुत स्वादिष्ट होता है, मैं खुद खाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। उसमें थोड़ा नींबू डाल लिया ऊपर से, और अगर कर्ड है जैसे पास में कर्ड है तो फिर नींबू नहीं आता इन चीज़ों में, 2 खट्टे मिक्स नहीं करने होते कर्ड के साथ, कोई भी खट्टी चीज़ और नहीं लेनी। तो इसमें साबूदाना आ गया, और उसमें उसी तरह ड्राई फ्रूट्स या मूंगफली जो आपकी हिम्मत आपकी जेब अलाउ करती है, मूंगफली भी वैसे बहुत अच्छी है। तो छाछ आ गई, मट्ठा आ गया साथ में पीने के लिए अगर दही नहीं है तो, या जूस आ गया। और लंच में रोटी है, लौकी की सब्जी है, क्योंकि सुबह हमने यहाँ पर फ्रूट कर्ड और साबूदाना खाया, और यहाँ पर फिर हमने हल्का था साबूदाना, हालांकि जल्दी उससे भूख नहीं लगती, ताकतवर होता है, लेकिन फिर भी दोपहर को रोटी, लौकी की सब्जी और साथ में मटर पनीर। पनीर आ गया दोपहर को क्योंकि सुबह भी हल्का नाश्ता था, और दोपहर को पनीर हैवी आ जाए, सब ने खा भी लिया तो पच जाएगा। और लौकी की सब्जी साथ में आ गई, कि कई बार अकेली लौकी की सब्जी बुरी लगती है, महिलाओं को घर में पता नहीं चलता, वो अकेली ऐसी कोई चीज़ कई बार बनाती हैं तो बच्चे भी दराज करते हैं, परिवार वाले भी कई बार बुरा मनाते हैं। तो आप साथ में एक मटर पनीर रख दिया, साथ में लौकी रख दी, शर्त रख दो भी ये भी हेल्दी है, इसको भी खाओ। और शाम को फिर उसी तरह, अगर आपको वो स्नैक जो मैंने रोज़ रोज़ बताए वो नहीं लेने, शाम को दूध भी पिया जा सकता है सूर्यास्त के बाद, कईयों को दूध रात को गैस करता है तो शाम को ले लो, नहीं तो आयुर्वेदिक चाय ले लो, नहीं तो थोड़ा बहुत फल खा लो, कभी कभार अगर धूप निकली हुई है गर्मी के दिन है थोड़ी बहुत शरबत पीने का मन करे पी सकते हैं, तो बहुत देर शाम को नहीं पीना शरबत। और 7 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक खिचड़ी है, क्योंकि दोपहर को पनीर था तो रात को खिचड़ी आ गई पतली पतली मूंग की दाल वाली, मूंग की दाल थोड़ी ज़्यादा डाल लो, उससे में प्रोटीन आ जाएगा, आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी, भूख कम लगेगी। और खिचड़ी में गाय का घी डाल दो, उससे आंतरियों को वो लुब्रिकेट करता हुआ, मलहम लगाता हुआ वो खिचड़ी का घोल जाएगा आगे, आपको बहुत अच्छा पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। तो पापड़ आ गया साथ में बच्चों के लिए, जवानों के लिए, कि चलो एक हैवी मील हो जाए, 1-2 पापड़ भी साथ में वो खाते हैं तो उनको 2-3 रोटी की हेल्प मिल जाएगी, इतना ताकतवर होता है, मतलब पापड़ इतना हैवी होता है। पापड़ एक आते हैं उड़द की दाल के, एक आते हैं पापड़, उसको हम बोल देते हैं कि ये मूंग की दाल के हैं, तो आप देख लेना मूंग वाले हल्के होते हैं, मूंग की दाल वाली बड़ियाँ भी आती हैं वो भी हल्की होती हैं उनसे, उड़द से। फिर चौथे दिन सुबह फिर उसी तरह हमने तुलसी के ड्रॉप्स ले लिए, तुलसी के पत्र ले लिए, ये नहीं तो आप तुलसी पत्र दही में डाल के भी ले सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी ऑप्शन जो आपको अच्छी लगे, 8 से 9 बजे के बीच में या तो स्प्राउट्स ले लो, स्प्राउट्स अंकुरित अनाज को बोलते हैं, उसमें थोड़ा फ्रूट काट के डाल लो, नहीं तो सलाद काट के डाल लो, थोड़ा सा उसमें पुदीने की चटनी ऊपर से नींबू डाल दो, थोड़ा खा सकते हो उसको शहद डाल करके, अगर मीठा बनाना है तो शहद डाल लो, नमकीन बनाना है तो चटनी डाल लो। अगर स्प्राउट खाने का किस दिन मन नहीं है तो उसी की जगह पे मल्टी वेजिटेबल राइस ले सकते हो, अलग अलग तरह की सब्जियां डाल के चावल खा लो, साथ में कर्ड का रायता ले लो फिर से,
तो रायते में जो बूंदी डालते हैं वो ना डालना, क्योंकि घी में तली हुई चीज़ या घी वाली चीज़ हम जब दही के साथ नहीं देते हैं, वो विरुद्ध आहार है। अगर कभी हमें लगता है हम मिक्स वेजिटेबल बना रहे हैं, साथ में दही भी लेनी है, हम सब्जियों में घी डालते हैं, हर चीज़ करते हैं, ऊपर से कच्चा नहीं डालते। एक तो कुकिंग में जो हल्का सॉटे में लगता है वो तो डाल लेते हैं दही के साथ, जो ऊपर कच्चा डालना है वो हम नहीं डालते जब हमने साथ में दही ली होती है। और रोटी भी खुश्क रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा घी से चुपड़ी हुई नहीं रखते जब हमें पता होता है कि साथ में दही है। हाँ, अगर साथ में छाछ है तो ये नियम लागू नहीं होता, छाछ तो लंच के या खाने के बाद ही लेनी होती है। फिर उसके बाद आप लंच में 1 से 2 बजे के बीच में मल्टीग्रेन रोटी ले लीजिए, कोई भी सीजनल सब्जी, अलग अलग शहरों में अलग अलग इलाकों में इतनी सब्जियां आती हैं, तो बदल बदल के खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और छाछ ले लीजिए, कभी कुछ ना सूझे तो मिक्स सब्जी बना दीजिए, जो सब्जियां 2-3 हाथ में आ जाएं। मैं तो इसी की फेवर में हूँ, इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। कई लोग बहुत परेशान होते हैं, सब्जी नहीं आ रही, सब्जी नहीं आ रही, क्या करें क्या करें क्या करें, क्या करना, भूखे रहो। आपको अगर सब्जी का पता नहीं चल रहा तो क्यों परेशान होते हो, जो इतनी 10-20 चीज़ें तो हर बार मार्केट में अवेलेबल होती है, थोड़ी आदत डालो। कई लोगों को बहुत चॉइस रहती है, ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, सब खाओ, बशर्ते कोई चीज़ मना ना हो। कोई स्किन वाले को भिंडी बैंगन नहीं देना, अगर देंगे तो आप अपनी प्रॉब्लम बढ़ा रहे हैं, समझ लो। तो वहाँ पे कोई होशियारी नहीं करनी, वहाँ पे परहेज करना है। शाम को सूप ले सकते हो, जैसे मैंने अलग अलग दिन में अलग अलग ऑप्शंस दे रहा हूँ, तो इसमें मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ यहाँ ये चल सकता है। शाम को टोमेटो सूप ले सकते हो या कॉर्न सूप ले सकते हो, मक्की का सूप बड़ा अच्छा लगता है मुझे, नींबू डाल करके उसमें थोड़ा अजवाइन डाल करके, बड़ा मज़ेदार होता है और जल्दी पच भी जाएगा। 4-5 बजे जब भूख लगे ले सकते हैं, नहीं भूख लगी तो शाम को कोई ज़रूरत नहीं है लेने की। कई लोगों का सवाल रहता है कि सुबह सूप ले लें दोपहर ये कर लें, मैं उनको बताता हूँ कि भैया सुबह तो हम फ्रूट खा रहे हैं दही खा रहे हैं, वो चीज़ें रात को नहीं आ सकती, तो रात को पहले ही ऑलरेडी लिमिटेड सी चॉइस रह जाती है, तो उसमें ये चीज़ें करो। क्योंकि सूरज ढल गया है, अब पकी हुई चीज़ लो, अब कच्चा सलाद ना लो। सलाद अगर लेना ही है, मैंने सलाद यहाँ बोला नहीं, सलाद अगर लेना ही है तो लंच के साथ लो, लंच से पहले लो, सलाद ख़त्म करके फिर खाना शुरू करो। सलाद के साथ साथ, सलाद साथ साथ रोटी अगर खा भी रहे हो तो हाफ मील तक लो, यानी अगर आपने 4 रोटी खानी है तो 2 रोटी के, पहली 2 रोटी के साथ में आप सलाद खा सकते हो, दूसरी 2 रोटी के साथ सलाद नहीं खा सकते, ये नियम है, नहीं तो आपको गैस बनेगी। कई लोग खाना खत्म करने के बाद लास्ट पे मुंह में टमाटर खीरा डालते हैं, ये भी गलत है, गैस करेगा। कच्चा आहार पहले खाओ, पका बाद में खाओ, पके के बाद कच्चा ना खाओ। फ्रूट अगर खाना ही है तो फ्रूट खाने के 1-1.5 घंटे बाद लेना है, वो भी कच्चे आहार में आता है, तुरंत खाने के बाद फ्रूट नहीं खाना है, आम को छोड़ करके। और कई लोग मुझे पूछते हैं आम खा लें एक पूरा, मैं कहता हूँ 2 घंटा पानी में भिगो लो आम को, खा सकते हो, लेकिन उसके साथ फिर दूध पियो। रात को भी आम खाया जा सकता है, लेकिन उसके साथ फिर दूध पियो, ताकि वो आम गर्मी ना करे। और आम खा लिया है तो रोटी की क्या ज़रूरत है, आम अपने आप में 2-3 रोटी के बराबर होता है, इतनी कैलोरीज होती हैं, इतना न्यूट्रिशन होता है उसमें, उसको पचने दो। आप क्या करते हैं कि इधर रोटी खा ली, इधर आम चूस रहे हैं, 2-2 चूस रहे हैं, 3-3 चूस रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो फिर आपको बॉडी में अंदर जाके फैटी लिवर ही करेगा, क्या करेगा। हालांकि आप कहेंगे आम की फैट थोड़ी स्टोर होती है बॉडी में, लेकिन क्या करेंगे अगर आपने पहले से ही इतना हैवी मील खा रखा है, ऊपर से आम खा रहे हैं, तो 2 टाइम का खाना तो 1 टाइम में समेट रहे हैं, तो ये गलत है। मैं आपको ये डाइट प्लान इसलिए बता रहा हूँ कि जो बिजी आदमी रहते हैं उसके में अंदर फ्रूट आ गया उसी का, उसको दोबारा से अलग से कुछ करने की कोशिश नहीं करनी, ज़रूरत नहीं है, उसी में सब कुछ आ गया और वो अपने काम पर फोकस कर सकता है। बहुत सारे पीजी हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, संस्थाएँ हैं, स्कूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे जो रहने वाले रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, तो वहाँ पर यह फार्मूला चलाया जा सकता है, बच्चे से लेकर बड़ों तक सबके लिए एक हेल्दी सा है, एक अच्छा मील प्लान है। तो मिक्स वेजिटेबल के साथ रात को रोटी आ गई, अगर मिक्स वेज नहीं बनानी तो सीजनल वेजिटेबल फिर से, और अगर चाहो किसी दिन रात को तो बिल्कुल स्किप करके खाली दूध भी लिया जा सकता है। दूध में थोड़ा सा उसमें हम, कई लोग कहते हैं दलिया ले ले रात को, दलिया नहीं लो रात को, दूध में थोड़ा सा सर्दी है खजूर डाल लो, गर्मी है थोड़ा अंजीर डाल लो दो दाने, तो वो ताकत भी मिल जाती है, एक शरीर को आधार मिल जाता है, दूध भी गैस नहीं करता। हालांकि दूध गैस करे तो दूध के बाद थोड़ा अजवाइन दे दो, आधा चम्मच, 1/4 चम्मच बहुत है। तो ये था सारा का सारा सुबह से लेकर रात तक 4 दिन का प्लान, एक एग्जांपल के लिए। डाइटिशियंस जो भाई बहन मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वो सीखते हैं, देखते हैं कि मैं क्या डाइट दे रहा हूँ, तो उनको एक चीज़ आगाह कर देना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा सोच करके ये डाइट नहीं बनाई है कि सुबह हमने कार्ब्स दी हैं कि दोपहर को क्या देना है, अगर सुबह प्रोटीन दिया है तो दोपहर को, ऐसा बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल के अकॉर्डिंगली ये डाइट प्लान मैंने नहीं बनाया है। ये सिंपल सा डाइट प्लान है जिसमें मैंने सिखाया है, कोशिश करी है सिखाने
खाने की कि क्या खाना चाहिए बदल बदल करके। इसमें कोई चीज़ फर्स्ट डे वाला ब्रेकफास्ट सेकंड डे में चला जाता है ऐसा कुछ भी हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात वैसे नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक आदत डाल रहा हूँ मैं आपको कि आपको बदल बदल के खाना है। अब आप मुझे बताइए, पूरा डाइट प्लान हो गया, इसमें आलू कहाँ पे हैं? बहुत कम है। शाम को कभी आलू का सूप पी सकते हैं, वो भी छिलके समेत आलू काट करके। और आलू की जैसे सीजनल सब्जियां मैंने बोला है तो किसी वक्त आलू की सब्जी भी चल सकती है, लेकिन फिर आलू अगर चलेगा तो साथ में अदरक होना चाहिए। यह आयुर्वेद कहता है आलू के साथ कच्चा अदरक का सलाद खाओ, या कच्चा नहीं खा सकते तो अदरक का अचार खा सकते, तो आपको आलू पचेगा। आप कहेंगे हम तो आलू में अदरक डालते हैं, वो उस सब्जी में घुल जाता है, लेकिन अगर साथ में कच्चा लेंगे तो उसका असर तुरंत आएगा। तो ये चीज़ थी आलू के नुकसान से बचने का तरीका मैंने बता दिया। पनीर के साथ काली मिर्च रहनी चाहिए हमेशा, वो उसको हेल्प करती जल्दी बचने में। रात को पनीर आएगा तो वज़न बढ़ेगा, तो मैंने इस तरह की चीज़ें आने ही नहीं दी। आप देखेंगे इसमें रात को पालक पनीर था एक दिन, क्यों पालक दे दिया? पालक में तो बहुत आयरन होता है तो रात को पच जाएगा, तो इसलिए दिया था। कई लोगों को पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता, तो रात को पालक खाई होगी, सुबह अच्छे से पेट साफ़ हो जाएगा, पेट साफ़ कराती पालक। हालांकि साग या ऐसी चीज़ें रात को ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, ये दोपहर को खानी चाहिए, मेथी वगैरह। फिर भी रात को मैंने एक दिन बीच में पालक का सीज़न चल रहा था थोड़े दिन पहले, तो मैंने पालक रखवा दी, नहीं तो उसकी जगह कोई सीजनल वेजिटेबल आ जाएगी। टिंडा, घिया, हलवा, कद्दू, कितनी चीज़ें हैं। मूली रात को नहीं चलती, मूली रात को गैस करती। गोभी रात को अवॉइड ही करो तो अच्छा है, ये गैस करती हैं। तो इसके अलावा अब इसमें ढूंढ लीजिए ब्रेड कहाँ है, आटा कहाँ है, आलू कहाँ है, और कहाँ है ये चीज़ें जो आप कहते हैं कि हमसे तो ये इसके बिना कुछ बनता नहीं है। तो मेन काम शुरू करने से पहले फुल मील हमें लेना है, मतलब कि हमें जैसे सुबह के समय हम जब फोकस वाला काम, बिजनेस, कोई अपना व्यापार, कोई मेन अपनी कंसंट्रेशन वाला काम शुरू करने लगे हैं, तो उसके पहले आपका पूरा मील आपने फुल ले लेना है। अवॉइड नहीं करना, भूखे नहीं रहना। कई लोग भूखे रहते, नाश्ता नहीं करते, वो कहते हम नाश्ता नहीं करते, रात को खूब खाते हैं। तो नाश्ता ज़रूर करिए, रात को आप ना खाइए। शाम को अपने आप लेट आते हैं ऑफिस से अगर, तो शाम को आप अपने ऑफिस में कोई इलेक्ट्रिक कैटल रख लो, उसमें सब्जियां काट करके सूप बना के पी लो। बहुत ज़्यादा अगर आपने रात को डिनर करना ही है, हैवी, आपको लगता है कि मैं लेट आता हूँ, मेरा सारा दिन टाइम नहीं लगा, मुझे ये करना है, तो फिर खाने के बाद गरम गरम पानी पीजिए, ताकि खाने के बाद जब भी, वैसे खाने के बाद पानी पीना मना है, लेकिन खाने को डाइजेस्ट जल्दी करने के लिए गरम गरम पानी सिप सिप करके चाय की तरह इतना अगर लिया जाए खाने के बाद, रात को डिनर के बाद, तो मैं समझता हूँ वो खाने को थोड़ा जल्दी डाइजेस्ट कर देगा, आपको बीमारियों से बचा लेगा। तो दूध तो रोज को लेना ही है रोज़। तो ये था मेरा पूरा डाइट प्लान, जो जिसमें मैंने समझाने की कोशिश करी क्या खाना चाहिए इंसान को एक जनरली, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, इसके अलावा भी हज़ारों चीज़ें हैं भगवान के द्वारा बनाई हुई, वो भी मैं आपको समय समय पर अपने डाइट प्लान्स के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा कि घरों घरों में अवेयरनेस आए, बीमारियों से हम बच सकें, पूरे परिवार की हेल्थ का ध्यान रख सकें। और जो घर के अलावा स्कूल्स हैं या बड़े बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ लोग काम करते हैं, के लिए वहाँ खाना बनता है, तो प्लीज़ मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के डाइट प्लान को इंट्रोड्यूस करिए उन सब के बीच में, उनकी हेल्थ ख़राब ना हो। तो ये था मेरा आज का रिक्वेस्ट वीडियो। तो आप सबको मैं पूछना चाहूँगा कि आप लोग क्या खाते हैं सुबह से लेकर रात तक, मुझे ज़रा शॉर्ट में नीचे अपने अपने कॉमेंट्स, अपने अपने फीलिंग्स ज़रूर बताइएगा, मुझे उससे आइडिया मिल जाएगा कि आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, फिर मैं आपको और ज़्यादा सटीक वीडियोज़ दे पाऊँगा। जब तक मुझे आपका पता नहीं चलेगा आप क्या खाते हैं, क्या आप मंचिंग करते रहते हैं, इसके अलावा क्या आपकी गलत हैबिट्स हैं, तो मुझे अगर ये चीज़ें पता ही नहीं चलेंगी, मैं उसको आप तक नहीं फिर कन्वे नहीं कर पाऊँगा। ये था मेरा आज का वीडियो, आप नीचे कमेंट्स करिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा। नमस्कारम।